going to start chapter 4 integer. First of all, I am going to tell something about integer. Integers are actually whole numbers. When whole numbers are assigned with sign of positive or negative, then it is called integer. Whole number, zero, counting number 1, 2, 3, 4, जब जीरो उसमें मिल जाता है तो होल नंबर कहा जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और जब उसके साथ हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगा देते हैं होल नंबर में, तब वो इंटीजर कहलाने लगता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से जो है इंटीजर का कंसेप्ट है। यानी इंटीजर प्रैक्टिकली जो है अपोजिट सेंस जहाँ भी होता है वहाँ इंटीजर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्थ से, अर्थ सरफेस से 5 मीटर ऊपर, अर्थ सरफेस से 5 मीटर नीचे, 5 मीटर आगे बढ़ना, 5 मीटर पीछे हटना, 5 मीटर कर्ज लेना, 5 रुपीज कर्ज लेना, 5 रुपीज अर्न करना, ये सब अपोजिट सेंस होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैथमेटिकली हम उसको जो है इंटीजर से शो करते हैं। ओके, अच्छा, इंटीजर दो तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। नंबर लाइन पर ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। नंबर लाइन पर दिखाने के लिए जीरो से जो है लेफ्ट साइड की ओर निगेटिव इंटीजर दिखलाया जाता है, जीरो से राइट साइड की ओर पॉजिटिव इंटीजर दिखाया जाता है। ओके, तो इस तरह से इंटीजर दो तरह का हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, जीरो एक इंटीजर है लेकिन इसको ना पॉजिटिव माना जाता है ना निगेटिव माना जाता है, लेकिन ये इंटीजर है। तो इंटीजर जीरो से छोटा भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो गया। इंटीजर जीरो से बड़ा जो होता है उसको पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल है एक्सरसाइज 4 में। पहला एक्सरसाइज इंटीजर का 4a, यू कैन राइट उल्टा सेंस लिखना है, इंक्रीज ऑफ 8, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज होता है डिक्रीज ऑफ 8, ए लॉस ऑफ रुपीज 5, लॉस का उल्टा गेन होता है गेन ऑफ रुपीज 5। उसके बाद गेनिंग ऑफ वेट ऑफ 5 kg, 5 kg वेट बढ़ना, तो 5 kg वेट लूज करना, लूजिंग ऑफ वेट 5 kg। 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल से 10 किलोमीटर नीचे, तो 10 किलोमीटर एबव है, सॉरी एबव द 10 किलोमीटर सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर, तो सी लेवल से 10 किलोमीटर नीचे इसका अपोजिट हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, है ना। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अपोजिट सेंस, आपको उसका अपोजिट सेंस लिखना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको पॉजिटिव और निगेटिव साइन के रूप में लिखना है। ये एक्चुअली मैथमेटिकल सिंबल है, लैंग्वेज मनोलिख करके हम प्लस और माइनस यानी इंटीजर के रूप में लिख देंगे उस सेंस को बताने के लिए। तो गेनिंग ऑफ 600 प्लस रुपीज 600, लूजिंग ऑफ 800 माइनस से शो कर दिए, ये डिग्रीज फ्रीजिंग पॉइंट से 7 डिग्री नीचे, ये 9, ये 9 है क्वेश्चन नंबर 4, डिग्रीज ऑफ 9, तो -9 हो गया। उसके बाद 2 किलोमीटर अबव सी लेवल से 2 किलोमीटर
वाह, तो प्लस 2 किलोमीटर हो गया है। उसके बाद 3 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, तो माइनस 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। इस तरह से प्लस और माइनस लिख करके हम इंटीजर का यूज करके प्रैक्टिकल सिचुएशन को वी कैन शो दें। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिचुएशन डेवलप करता है उसको मैथमेटिकली बाय यूजिंग इंटीजर्स वी कैन रिप्रेजेंट दैट सिचुएशन। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नंबर लाइन पर दिखलाना है। जैसे -5 है, इन द बिगिनिंग आई हैव रिटन दैट नेगेटिव इंटीजर्स आर शोन ऑन लेफ्ट साइड द 0। ये नंबर लाइन है, इस पर ये स्केल बना होता है। राइट साइड हो गया इधर, लेफ्ट साइड हो गया इधर। निगेटिव इस पर स्केल बना दिए, -1, -2, -3, -4, -5, और -5 दिखाना है 0 से लेकर के यहाँ देख रहा है, ये आपका -5 हो गया। उसी तरह से 7 है, ये प्लस है, तो 0 के राइट साइड में लाई करेगा। 0 से राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ से लेकर के ऐसे एरो दिखा दिए, ये आपका नंबर लाइन पर 7 हो गया। उसके बाद इसी तरह से और भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पेयर दिया हुआ है, इसमें लार्जर को बतलाना है। तो पहला में 0 है, सेकंड में -3 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 8 है, फिफ्थ में -365 है, सिक्स में आपका 8 है। यानी पेयर निगेटिव नंबर अगर 2 दिया हुआ है तो उसमें जो छोटा है वो बड़ा होता है, ठीक है, और पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। लेकिन निगेटिव नंबर में ये कन्फ्यूजन होता है विच वन इज ग्रेटर। जैसे -4, -5, इसमें कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। बस इसी चीज को समझना है। 0 है, 0 बड़ा है, जितना निगेटिव नंबर है सबसे जो है 0 क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको स्मॉलर लिखना है, तो जो इसका अपोजिट काम करना है। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन डू इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सॉरी इनके बीच का जो है रेशनल नंबर, ये इंटीजर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 और 6 के बीच जो है जितना इंटीजर है उसको लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। उसके बाद जो है -5 to 0, तो -4 के बाद जो है -4, -3, -2, -1, 1 के बाद 0, इसके बाद -5, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसी तरह से ये 3 है, -3 and +3, तो -2, -1, 0, 1, 2, ये दीज आर इंटीजर्स विच लाइज बिटवीन द गिवन रेंज, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस। इसमें बड़ा और छोटा लिखना का साइन देना है। 0 is less than 7, 0 is greater than -3, -5 is less than -2, -15 is less than 13, -231 is less than -132, I have already told you, where for negative integer bigger is smaller। इंटीजर के केस में
जो निगेटिव इंटीजर्स हैं उसमें जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा। जैसे देखो ये देखने में बड़ा लगता है 132 से, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है इसके कारण जो है ये क्या हो गया, इससे ये छोटा हो गया। ठीक है, सेम चीज इज हियर, -6 इज लेस देन +6। इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यू नो व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टार्ट फ्रॉम लोअर एंड गो टू द बिगेस्ट। ओके, छोटा से शुरू कीजिए, सबसे बड़ा तक पहुंच जाइए। तो -7 -2 0 5 8, यानी -7 सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा 8 हो गया। ये देखिए -100 -23 -6 -1 0, तब 12 आया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर लाइन पर दिखलाना है। ठीक है, नंबर लाइन पर क्या दिखलाना है, ये देखिए दसवां है, फर्स्ट है 4 more than 6, 6 से 4 अधिक। तो 6 से 4 अधिक क्या होता है, 4 more than 6 दैट इज 10। तो देखो पहले ये 6 दिखलाए, फिर उसके बाद 4 इसमें अधिक जोड़े, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, और ये जब दोनों मिल गया तो ये ऊपर वाला हो गया, यानी ये 10 हो गया। ओके, ये है कह रहा है कि 5 more than -6, 5 more than -6। तो -6 को पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद +5, तो यहाँ से अब बैक चलेंगे पॉजिटिव डिरेक्शन में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5। अब ये कितना बच गया, -6 में से 5 हटा देंगे, -6 + 5, तो दिस विल बी इक्वल टू -1, यानी यही चीज़ जो है ये -1 बचे। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स लिखना है, आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, फॉल्स है, 0 इज नॉट एन इंटीजर, गलत है, फॉल्स है, द अपोजिट ऑफ 0 इज 0, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है, -10 इज ग्रेटर दैन -6, ये भी फॉल्स है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द इंटीजर, ये भी गलत है, हमेशा निगेटिव रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है, तो हमेशा बराबर बड़ा नहीं होगा, कभी बराबर भी हो सकता है। 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, यस, 0 से जितना छोटा होता है वो निगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक, एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और निगेटिव नंबर जितना होगा इससे छोटा होगा, तो ये ट्रू है। द सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला, आगे आने वाला 187 के बाद -186 आगे आने वाला है कि क्या है, ये गलत है, 187 का सक्सेसर -186 होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। द प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर का मतलब होता है पहले वाला, तो 215 इज -214, 215 का प्रीडेसेसर क्या होता है, -216। ओके, -216 होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, एब्सोल्यूट मॉडुलस, इस साइन का नाम क्या है, मॉडुलस है। ठीक है, तो ये साइन का मतलब होता है ना पॉजिटिव रहना चाहिए ना निगेटिव रहना चाहिए, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ठीक है, तो -9 इसका भीतर का 9 खत्म हो जाएगा, ये केवल 9 हो जाएगा। -36,
है, ये 36 के बराबर हो जाएगा। अंदर में जो 7 प्लस माइनस 3, तो 7 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 माइनस 4, तो 7 में से 4 घटाइए 3 बचा, एब्सोल्यूट वैल्यू हटाइए मॉडुलस, तो ये आपका 3 हो जाएगा। 8 माइनस मॉडुलस साइन माइनस 7, तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो ये बाहर वाला है ये तो रहेगा। 8 माइनस 7 बराबर 1। ओके, एक्सरसाइज 4B, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू शो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन द नंबर लाइन। ओके, 9 प्लस माइनस 6, सबसे पहले ये 9 दिखलाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस डिरेक्शन में, उसके बाद यहाँ से बैक हुए माइनस 6, देखो यहाँ, तो ये कितना बचा, यही आपका 3 बच गया। तो 9 प्लस माइनस 6 इक्वल टू 3, ये जो चीज़ है ये आपको 3 दिखला रहा है। ओके, सबसे पहले 9 को यहाँ से यहाँ तक दिखलाना है, उसके बाद वहाँ से रिवर्स होना है, माइनस दिखलाना है, माइनस डिरेक्शन, यहाँ से यहाँ आए तो माइनस 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब फिर अभी ये बच गया 9 माइनस 6, ये 3 बच गया, तो यहाँ से फिर दिखलाएंगे ये हो गया प्लस 3। ओके, सिमिलरली माइनस 3 प्लस 7, यहाँ से पहले माइनस 3 दिखलाए, यहाँ से माइनस 3, अब इसमें प्लस करना है 7, तब यहाँ से 7 भर इधर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिखला दिए। ओके, तो कितना बच गया, ये इतना एक्स्ट्रा हो गया पॉजिटिव डिरेक्शन में, तो ये 1 2 3 4 4 बचा, तो ये यहाँ से दिखलाएंगे 4, तो 7 3 माइनस 3 प्लस 7, दिस विल बी इक्वल टू 4। ये जो पार्ट है ये दिस इज शोइंग द एडिशन ऑफ माइनस 3 प्लस 7। सिमिलरली थर्ड है, प्लस 8 माइनस 8 दिखलाना है, यू हैव टू शो 8 प्लस माइनस 8। ओके, तो सबसे पहले प्लस 8 ये दिखलाए यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस 8 दिखलाना है, तो यहाँ से अब रिवर्स चलेंगे, ये हो गया माइनस, तो फिर कहाँ पहुँच गए, 0 पर पहुँच गए, तो 8 प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज शोइंग 0। ओके, फोर्थ है माइनस 1 प्लस माइनस 3, पहले ये माइनस 1 प्लस माइनस 3, ये माइनस 1 दिख रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से 3 खाना 3 स्केल और आगे बढ़ना है निगेटिव डिरेक्शन में, 1 2 3, तो ये माइनस 3 हो गया, दोनों मिला करके माइनस 1 माइनस 3, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस 4 हुआ, तो ये माइनस 4 हो गया। उसी तरह से 7 दिखाना है, 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, तो सबसे पहले प्लस 3 दिखलाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉजिटिव डिरेक्शन में, फिर निगेटिव डिरेक्शन में माइनस 2 दिखलाना है, और यहाँ से यहाँ आए माइनस 2, फिर माइनस 4 इसमें ऐड करना, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4,
ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका माइनस चार हुआ, ओके। अब ये पॉजिटिव फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, ये जीरो से लेफ्ट साइड की ओर तीन ऐसे किया जाए, एक दो तीन, तो ये हो गया माइनस टू, यही आपका फाइनल हुआ। थ्री प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर, टू प्लस माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, यही आपका फाइनल स्टेज हुआ माइनस थ्री। ये फिलिंग भी ब्लैंक्स करना है। इंटीजर का नियम है, अगर सेम साइन हो तो ऐड कीजिए साइन दीजिए जो दोनों का है, अगर डिफरेंट साइन है तो बड़ा में से छोटा घटाइए और जो बड़ा है उसका साइन दीजिए। दिस इज द रूल फॉर एडिशन। अगर सेम साइन है तो ऐड कीजिए दोनों को और दोनों का जो साइन है वो दीजिए, अगर डिफरेंट साइन है तो बड़ा में से छोटा घटाइए और साइन दीजिए जो बड़ा है, ठीक है। अब जैसे माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो नाइन और थ्री ये ट्वेल्व हो गया और दोनों का साइन माइनस है, इसलिए साइन दे दे माइनस का। उसी तरह से माइनस सेवन प्लस माइनस एट, दोनों का सेम साइन है इसलिए ऐड करेंगे तो एट और सेवन माइनस फिफ्टीन हो गया, दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ माइनस देंगे। यहाँ देखो डिफरेंट साइन है, ओके, तो बड़ा में से छोटा घटाओ, ये बड़ा है ये छोटा है, तो सोलह में से नौ हो गया, कितना बचा सात बचा, इसमें से बड़ा कौन है तो सोलह है, इसका साइन क्या है प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से एट प्लस माइनस सेवनटीन, सेवनटीन एट से बड़ा है इसलिए सेवनटीन में से एट घटेगा तो कितना बच गया नाइन बचेगा, इसमें बड़ा कौन है सेवनटीन है, सेवनटीन का साइन माइनस है इसलिए इसका साइन हम क्या देंगे माइनस देंगे, माइनस नाइन होगा। सेम चीज है टू प्लस माइनस ट्वेल्व, ये अलग अलग साइन है, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये प्लस है, तो बारह में से दो गया दस बचा, साइन जो है किसका रहेगा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो लाठी इसकी मजबूत है इसलिए इसका साइन माइनस है तो इसके साथ माइनस टेन आ गया, समझ में आ गया बात। अगर सेम साइन हो तो जोड़िए, जो दोनों का साइन है वो साइन दीजिए, अगर डिफरेंट साइन है दोनों का अलग अलग साइन है तो बड़ा में से छोटा को घटाइए और साइन दीजिए जो बड़ा है, ओके। इतनी ही चीज याद रखना है, ये ऐड करना है, सेम चीज है, ये यहाँ हॉरिजॉन्टल वे में दिया हुआ है, यहाँ कॉलम वाइज दिया हुआ है, ऐड करना है दोनों माइनस है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे और साइन देंगे माइनस का, यहाँ भी दोनों का साइन सेम है माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन साइन देंगे माइनस, इसलिए कि दोनों का साइन माइनस है। ये जो है फोर्थ है, यहाँ अलग अलग साइन है, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, इसमें से इसको घटा दिए, ये कितना बचा 108 बचा, और ये बड़ा है इसका साइन माइनस है इसलिए यहाँ साइन क्या देंगे इसका माइनस देंगे। सेम चीज है यहाँ, ये प्लस है ये माइनस है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आया 109 है, ये बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस है और यहाँ भी हम क्या देंगे प्लस देंगे, ठीक है। ये देखिए ये माइनस है इसके साथ ये प्लस है इसके साथ, तो ये बड़ा है इसमें से इसको घटाएंगे उल्टा, ठीक है, तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ 0 हो गया 0 में से 0 गया 0, यहाँ 3 बचा 3 में से 1 गया 2, अब साइन किसका देंगे नीचे वाला, देखो ये बड़ा है ये 312 में से इसको घटाए हो
इसका साइन प्लस है इसलिए यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये सम निकालना है इतना और इतना, तो लिखेंगे यहाँ सम प्लस करके बीच में 137 प्लस माइनस 354, देख रहे हैं डिफरेंट साइन है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बचा 217। साइन देंगे इसका इसलिए भी बड़ा है, माइनस 217 हो गया। उसी तरह से ये है इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये बड़ा है ये छोटा है, डिफरेंट साइन है, इसमें से इसको घटाएंगे घटाएंगे तो 991 मिला। ये बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, इसका इसका सम निकालना है 20 प्लस माइनस 20, डिफरेंट साइन है इसलिए इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पर इतना है, ये इसका साइन प्लस है इसलिए इसका साइन भी प्लस होगा। ये तीन का हो गया, इस तीनों का सम निकालना तो दिखेंगे एडिशन के रूप में इतना प्लस 39 प्लस 192। ये दोनों एक तरह का है, ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए इनको जोड़ दिए तो 231 आ गया। अब ये दो बच गया पहले की तरह, ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों का अलग अलग साइन है, बड़ा में से छोटा घटा दो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो। 81 आया लेकिन ये बड़ा है इसका साइन माइनस है इसलिए इसका भी साइन माइनस हो गया। ओके, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वह नंबर है कि अगर उस नंबर में उसको जोड़ा जाए तो दोनों का सम जो है जीरो आना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? 5 का एडिटिव इनवर्स जो है माइनस 5 हो गया। अब प्लस 5 और माइनस 5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। अब इसका अपोजिट साइन करके लिख देना है उसी के बराबर, जैसे ये माइनस 57 है तो प्लस 57 हो गया, ये 183 है तो ये माइनस 83 हो गया। ये जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो होता है क्योंकि जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो मिलेगा। ये माइनस 1001 है, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस 1001 हो जाएगा। उसी तरह से इतना है, इसके साथ माइनस साइन लगा दो। ये दोनों को अगर जोड़ोगे तो तुम्हारा सम जो है क्या आएगा? जीरो आएगा। यही दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। अंडरस्टूड? तो एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो जो दिया हुआ है उसका साइन बदल करके आपको लिख देना है, बस सम जीरो आने लगेगा। उसके बाद ये सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? एक आगे वाला नंबर। ठीक है, एक आगे आने वाला नंबर पर एक जोड़ करके हम सक्सेसर निकालते हैं। जैसे 5 है, 5 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 5 + 1 यानी 6 हो गया। 11 है, 11 का सक्सेसर क्या हो गया? 11 + 1 = 12 हो गया। तो देखो सब में 1 1 जोड़ करके हम निकाल लिए हैं, हैं? ये सब में 1 1 जोड़ करके निकाल लिए, ये सक्सेसर हो गया। प्रीडेसेसर्स का मतलब होता है उसके पहले वाला संख्या। जैसे 15 है, 15 का प्रीडेसेसर कितना होगा? 14 होगा। 14 का प्रीडेसेसर कितना होगा? 13 होगा। एक घटा दोगे तो उसके पहले वाला संख्या मिल जाएगा। सब में से एक हम घटाते गए, देखो 120 माइनस 119, 79 माइनस 178 माइनस 141, इसको ज़रा बढ़िया से समझो। ये 1 माइनस 141
इसमें माइनस वन किए तो ये तो दोनों सेम साइन हो गया, सेम साइन हो गया तो ऐड करेंगे तो 142 हो गया, लेकिन साइन रहेगा माइनस, यानी 142 है ना, 142 जो है 141 का पहले आता है, एक पहले आता है। सेम चीज है यहाँ -300, इसमें आपको -1 जोड़ दिए तो -301 हो गया। ओके, सक्सेसर निकालने के लिए +1 कीजिए, प्रीडेसेसर निकालने के लिए -1 करो। ओके, सिंप्लीफाई करना है तो जितना सेम साइन का है उसको एक साथ ऐड करो। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये तीनों को एक साथ ऐड करो तो -32 हो गया। ये प्लस है तो इसमें लिख दिए, अब दो बचे, दो में बड़ा, अगर दोनों का सेम साइन है तो जोड़ो, अगर डिफरेंट साइन है तो बड़ा में से छोटा घटा दो, तो ये डिफरेंट साइन है, ये घट गया तो 20 हो गया, साइन इसका रहेगा इसलिए कि ये बड़ा है। उसी तरह से ये दिया हुआ है, देखो हमने सभी निगेटिव इंटीजर को एक साथ रख दिया और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ रख दिया, ये तीनों को एक साथ ऐड किए तो -421 हो गया और ये दोनों को ऐड कर दिया तो 81 हो गया। अब दोनों का अलग अलग साइन हो गया, दोनों का तो बड़ा में से छोटा घटा दो तो 340 साइन रहेगा इसका माइनस। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ड प्रॉब्लम, ये पटना है, पटना से कोई कार जो है 60 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जा रही है, फिर यहाँ जा करके वहाँ से लौटती है साउथ की ओर जाती है, ठीक है 90 किलोमीटर साउथ आती है, तो बताना है कार का पोजीशन, पटना से वह कितनी दूरी पर किस डिरेक्शन में है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पटना, ये पॉजिटिव डिरेक्शन हुआ तो ये इसका निगेटिव, तो नॉर्थ का उल्टा क्या होता है साउथ होता है, इसलिए इसको हमने 90 रखा, तो ये अलग अलग साइन हो गया तो -30, ये -30 किलोमीटर, तो पटना से वह कार जो है -30 किलोमीटर की दूरी पर है, और -30 किलोमीटर का मतलब क्या होगा साउथ, क्योंकि नॉर्थ डिरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो साउथ डिरेक्शन को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, तो 30 किलोमीटर साउथ फ्रॉम पटना, कार जो है रहेगी 30 किलोमीटर साउथ फ्रॉम पटना, ठीक है। ये एक आदमी है 30 रुपये का पेंसिल खरीदता है, 90 रुपये का पेन खरीदता है, ठीक है, तो मनी स्पेंड कितना, मनी स्पेंड किया दोनों को ऐड कर दिए ₹120, उसके बाद वो पेन और पेंसिल सबको जो है बेच देता है, जितना पेंसिल खरीदा था उसको ₹20 में बेचता है और जितना पेन खरीदा था ही सोल्ड देम फॉर ₹70, नाउ एडेड ₹90, यानी मनी जो है वो बेचने से सेल करने से उसको ₹ इतना है, अब देखना है कि उसको लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, इतना रुपया बेचारा फंसाया है पैसा, इतना रुपया लगाया है इतना ही रुपया है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर 120 -90 यानी ₹30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है फाइंड a + 6 = 0, a बराबर क्या हो जाएगा -6, यानी a में कितना ऐड करेंगे कि 0 मिल जाएगा, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए कि उसको जोड़ने से 6 में 0 आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स -6 यानी -6 + 6 = 0,
ये 5 प्लस ए तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स लिख देना है। एडिटिव इनवर्स लिख दिए, माइनस 5 हो गया, ए प्लस माइनस 4, ए में 4 घटाने पर जो है 0 मिलता है, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 में 4 घटाओगे तो 0 मिलेगा। माइनस ए प्लस ए, अब जो है ए में 8 में से ए को माइनस 8 में से ए को घटाने पर 0 मिलना चाहिए, तो ए का वैल्यू प्लस 8 होना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। यू विल डू इट दिस चैप्टर इन योर फेयर कॉपी एंड आई हैव लेफ्ट सम क्वेश्चन, यू आर सपोज टू डू देम। ओके, यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज 4A 4B इन योर फेयर कॉपी एंड यू विल सेंड मी रिमेनिंग क्वेश्चन व्हाट आई हैव लेफ्ट फॉर यू टू डू। ओके।